आई लव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदि मनी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। हमारे घर पे माता रानी का कीर्तन हुआ था। माता रानी हमारे घर आई थी नवरात्रों में। नवमी के दिन हमने कीर्तन करवाया था और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कीर्तन की ना पूरी सेटिंग हो चुकी है। हमने गद्दे लगाए थे, प्रॉपर चादर लगाई थी उनके ऊपर ताकि बैठने वालों को दिक्कत ना हो, और दो तीन ऐसे मूढ़े भी रखे थे ताकि मतलब जो लोग एजड हैं वो उस पर बैठ सकते हैं। नव ने खूब मस्ती करी थी यहाँ पर, और जो ये गद्दे लगे थे ना, नव को इन पर चलने में इतना मज़ा आ रहा था। कभी इन पर बॉल फेंक रहा था और फिर कीर्तन शुरू हो गया था। तो नव को भी ना कीर्तन वाली जो दीदी थी उन्होंने हाथ में झुनझुना टाइप दे दिया था बजाने के लिए। तो नव इसको बजा रहा था और डांस कर रहा था। नव पहला इंसान था जिसने डांस की शुरुआत की थी। और खासियत बताऊँ, ये कीर्तन ही नव के लिए रखा गया था क्योंकि नव के बर्थडे का कीर्तन मैंने बोला हुआ था, जो कि मैं नहीं करा पाई थी, तो वो अब करवाया गया था। नव ने खूब डांस करा था अपने कीर्तन में, बहुत ज़्यादा। और आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि वो बजा भी रहा है और साथ साथ में फुल स्पीड से डांस कर रहा है, जिस स्पीड से सॉन्ग चल रहा है। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे नव को देख के, क्योंकि अच्छा लगता था जब छोटे से बच्चे ऐसे डांस करते हैं। कीर्तन वाली दीदी ने उसके फूल भी फेंके थे और हमारी माता रानी का दरबार बहुत सुंदर लगा था। प्रसाद और सारी चीज़ें हमने चढ़ाई थी जो भी रखी हुई थी। नव के पापा जो थे वो बाहर फोन पे बात कर रहे थे, तो नव को डांस करते देख के रुक गए थे, उसको देखने लग गए थे। तो नव जो था वो एकदम बिजी था डांस करने के लिए। जिस स्पीड से सॉन्ग चल रहा था उस स्पीड से नव का डांस भी चल रहा था। कीर्तन वाली दीदी उसकी बार बार तो फ्लावर फेंक रही थी कि नव ने डांस की शुरुआत की है, और जितने भी जो भक्त आए हुए थे माता के सब पे फेंक रहे थे फ्लावर्स। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा था। बार बार नव जाता था उनके पास, कहता था कि मुझे बड़े वाला दे दो बजाने के लिए। फिर कहता था अच्छा बड़े वाले मेरे, चलो छोटे वाले कोई बात नहीं, छोटे को लेके फिर डांस करना शुरू कर देता था। और ये जो आंटी आ रही है नवीन को भी दादी बोलता है, ये कार्तिक की दादी है। तो नव कार्तिक को देख के खुश हो गया था कि कार्तिक भैया आ गया है। सबको देख रहा है कि सब हमारे घर पे आके बैठ रहे हैं। पहले नव थोड़ा घबरा गया था कि इतने सारे लोग हमारे घर आ रहे हैं, बट फिर उसने फुल ऑन इन्जॉय करा, खूब डांस करा और सबको कह भी रहा था डांस करने के लिए, बजा बजा के दिखा रहा था, डांस कर करके दिखा रहा था। कार्तिक को देख रहा है ध्यान से, थक भी गया था, बार बार थक रहा था, लेकिन उठ उठ के डांस कर रहा था। देखो जैसे ही उसकी दादी ने उसको बोला डांस करो, डांस करने लग गया, बट फिर गिर गया, बैठ गया, तो बैठ के भी डांस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक गया है नव, नव फुल ऑन। जो एक इंसान ने जिसने पूरा कीर्तन एंजॉय कराया वो है नव। बाकी सब ऑब्वियसली बात है कि भक्ति में साथ साथ में लीन थे, लेकिन नव के लिए तो ये सिर्फ एक इन्जॉयमेंट की तरह था। बल्कि माता रानी ने उसको अपना आशीर्वाद रखे, हमारे घर माता रानी आई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और आती रहेंगी समय समय पर, हम यही चाहेंगे नव जैसे जैसे बड़ा हुए माता रानी हमारे घर आती रहे। और नव देखो कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, डांस कर करके दिखा रहा है, और सब लोगों को ना बहुत अच्छा लग रहा था कि नव डांस कर रहा है, क्योंकि सब उसको देख देख के हंस रहे थे। और फ्लावर्स उठा उठा के कभी अपनी दादी को दे रहा था, कभी मुझे दे रहा था, कभी कार्तिक भैया को दे रहा था, और बाकी जितने भी भक्त आए हुए थे, जो भी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी खूब डांस करा था। जैसे हमारी आंटी जी सुशीला भाभी, मैं और ये संयुक्ता की मम्मी, मतलब सब लोगों ने ना खूब डांस करा। जैसे जैसे भजन चल रहे थे तो हम बार बार किसी न किसी को बोल ही रहे थे डांस करो। नव की दादी को डांस पाता नहीं, बट उन्होंने फिर भी थोड़ा सा डांस करा था। तो यही मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर की ना सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है, कि जब भी कोई फेस्टिवल, कोई मतलब फेस्टिवल क्या बोलूँ, छोटा सा भी घर में कुछ होता ना, गेट टुगेदर या माता रानी की पूजा, तो सब लोग उसमें पूरा ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे वो उन्हीं के लिए हो रहा है। और नव मम्मा की पूछा सबको पता ही होता है, यहाँ पे भी नव मेरे को छोड़ ही गया था। मैं मतलब कीर्तन में बैठी थी, सब भी नव मेरे पास ही आ रहा था बार बार, तो मैं नव को लेके डांस कर रही थी क्योंकि नव को खड़ा नहीं हो रहा था नव। तो मम्मा ने नव को लिए लिए डांस करा, और ये हमारी कीर्तन वाली दीदी हैं, दोनों जो डांस कर रही हैं, इन्होंने भी खूब इंजॉय करा था। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कीर्तन करते करते भी इंजॉय कर रही थी और वो डांस कर रही थी। खूब आंटी जी ने भी डांस करा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने उनको बोला था बार बार से भी आप आ जाओ, दीदी से अपनी बात शेयर कर रही थी, मेरी बात शेयर कर रही थी, माता रानी को चढ़ा रहे थे हम लोग, जो भी हमारी मतलब जितनी हमारी औकात है उतना हम चढ़ा रहे थे। और दर्श को भी बहुत इंजॉय कर रहा था, बस पहले तो पीछे बैठा था लेकिन फिर आगे आ गया था और डांस कर रहा था नव के साथ ना, सबको देख रहा था ध्यान से। और बच्चों को ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये अच्छे लगते हैं, इनमें से आवाज़ आती है, तो वो वही देख रहा था कि ये जो बजा रही है दीदी इनमें से आवाज़ आ रही है, तो वो लेना चाहता था वो भी। आंटी जी ने उसे भी खड़ा कर दिया था कि आप भी डांस कर लो, तो ये भी डांस कर रहा था थोड़ा थोड़ा। नव और ये दोनों मिलकर डांस कर रहे थे बारी बारी से।
माता रानी का दरबार आपको सामने से दिख रहा है कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दीदी अपना दरबार लेके आई थी साथ में, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत छोटा सा है। अब यहाँ पर मैं सबको बोल रही थी कि आप लोग आ जाओ, डांस कर लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी घर में फंक्शन होता है किसी ना किसी एक जने को दूसरों को कहना पड़ता है आ जाओ, फिर सब आ जाते हैं डांस करने के लिए। तो ऐसा ही हुआ था। और ये सरिता दीदी हैं, हमारी सोसाइटी में रहती हैं, उन्होंने भी डांस किया था, इन्जॉय किया था माता रानी के कीर्तन में। तो मैं होस्ट थी ऑब्वियसली, और हमें तो डांस करना ही था। जो होस्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा डांस करना होता है, तो हमने भी खूब डांस करा था। मतलब मुझे ये भी डांस आता नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे डांस नहीं आता है। बट किसी तरह मैं जनरली हाथ हिला रही थी थोड़े थोड़े से ना खड़े होकर, और नव बार बार मम्मा की गोदी में चढ़ रहा था, तो मैं तो गोदी लेके ही डांस कर रही थी, भाभी भी डांस कर रही थी, लेकिन फिर दर्द को भी गोदी में उठा लिया था, क्योंकि बच्चे हमारे ना एक जगह रुकते नहीं हैं, तो लेके हम गोदियों में फिर भी डांस कर रहे थे। और सब लोग जितने भी आए थे ना, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसने डांस नहीं किया होगा, जिसने इन्जॉय नहीं किया होगा, सब ने डांस किया था। बहुत अच्छा लग रहा था, और बार बार जयकारे लग रहे थे माता के, सब लोग पूरी जान से जयकारे लगा रहे थे। हेलो सत्यम, सत्यम स्कूल नहीं गया आज? स्कूल नहीं गया आज क्यों? क्या है आज बताओ? कहाँ जाना है? कीर्तन ना पूरा हो गया है, और आप सोच रहे होंगे नव के पापा क्या लेके घूम रहे गोल गोल, तो पन्नी में नव को पैक किया हुआ है। आई नव नव को मजा आ रहा है झूलने में। नव कैसा लग रहा है? नींद आ रही है इसको, कितने बजे से लेटा हुआ है। ये छोटा सा बेबी पन्नी में आ गया पैक, अब निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भी देर। मजा आया? अब कह रहा है इसमें ही बिठाओ पापा मुझे। मैं देखो कह रहा है मैं तो आपने उसे नई गेम बताई है ना कि ऐसे कर सकते हैं हम। कितना खुश हो रहा है। बैठो चलो। ये ना वहां से जोत में वो उठा रहा है पैसे और वो सब। तो ये है हमारा दरबार, जिसमें से आधा सामान अभी खाली हो चुका है, पर कीर्तन बहुत अच्छे से हो गया। माता रानी आई है हमारे घर पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हेलो, नव को आ रही है नींद बहुत तेज।